क्षेत्र में जो पत्थलगढ़ी आंदोलन चला है उसको भाजपा सरकार कहती रही कि वहाँ माओवादियों की घुसपैठ है, धर्मांतरण करने वालों की घुसपैठ है। वो विशुद्ध रूप से आदिवासियों की मांग नहीं है, जो उनकी परंपरागत अधिकारों में आता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिक्कत है भाजपा वालों से। रात को भी सपने में दिखते हैं दर्शनी, और रात को सपने में दिखते हैं दिक्कत उनके साथ। ये जो इशू है, अगर आप चीफ मिनिस्टर के बयान देखते रहेंगे तो अगर बदलता क्या उनका बयान, और उनको सही वास्तविक स्थिति का कहीं आकलन कर लेना चाहिए। सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनने को अकेले जो तो होता नहीं, तो सरकार की भाषा होती है। हम तो शुरू में रेट किया था पत्थलगढ़ी। पहले तो हम लोग का प्रॉब्लम पार्ट होता था सरकार की तरफ से हो नहीं रहा है। आदिवासी समाज की सबसे बड़ी खासियत है
प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता कि नाराज है कि खुश है, वो ना अफसर समझता ना नेता समझता, वो चुपचाप देखो पैर के पीछे बैठा रहता है, सुनता रहता है। जब गुस्सा यानी गुबार उसके हवा भरता रहता है तो फूकता है कि पत्थर पे। बहुत सारे लोगों को बंधक भी बना लिया गया था और बहुत सारे नेता है, वो गलत बात है, वो बंधक पे नहीं बनाया नहीं गया था। अरे भाई जब आक्रोश होगा तो थोड़ी देर तो बहस तो होता ही, वही बहस तो गलत बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए इस बात को दुष्ट करके कहा गया है और उसके पीछे उनके अपनी मंशा है, कहीं चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण करने की प्रयास हो रहा है, ये हमको लगता है। क्योंकि पांचवें अनुसूची की आप लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं और सड़कों के बाहर बड़े बड़े शिलालेख लगा के बाहरी लोगों को प्रतिबंधित करके स्वशासन स्थापित करने का समानांतर सरकार की स्थापना कर ऐसे भी आरोप। नहीं नहीं प्रतिबंधित कहीं नहीं है किसी को, एक बात बताऊँ शहर में बड़े बड़े कॉलोनी है कि नहीं है, है? वहाँ वो गार्ड रहता है कि नहीं रहता है, कई कई कॉलोनी में तो रजिस्टर भी है, नाम और साहब आपका टेलीफोन नंबर होता ही नहीं होता है। पहले भी कोटवार लिखता था कौन आया कौन गया, अब व्यवस्था नहीं है वो अलग बात है, पहले जो कोटवार में लिखता था वही मैंने कोई गलत आदमी वहाँ गाँव में घुसे उसके पीछे नहीं है तो उसमें गलत क्या है। जब शहर में आ ये व्यवस्था हो सकती है, ये हो सकती है, संविधान में बात कहा गया है कि शोषण से कैसे करना है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग तब तो उनको शुरू में कहें हमको आगे समझाइए ना भाई गलत क्या है, हम तो समझना चाहते हैं। अरे भाई हमने जितना पैसा कानून को समझता है शायद किसी बीजेपी के जो बैठे हैं ना भाई हमारे समय तो पैसा कानून बना, तो ये बीजेपी में बैठे कितने लोग समझे हैं वही समझाते हैं हमको, तो यही कहते हैं आदिवासियों को नाराज क्यों कर रहे हैं, नाराज करने पर क्यों तुल गए हैं जबकि चुनाव सामने हैं, इस वक्त जबकि प्रलोभन की राजनीति चलती है उसके विपरीत उनको नाराज करके अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारने की भाषा। देखिए उसका एक कारण जो मैं समझ पाया ये आज से भी कई सालों से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी समाज के मनोविज्ञान को